भाजपा का राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कल 30 मई को फिरोदी नगर पालिका समक्ष किया जाएगा प्रदर्शन। जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस सरकार को घेरेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सरकार की नाकामियों के खिलाफ भाजपा जिला जोधपुर देहात उत्तर का विरोध प्रदर्शन कल 30 मई सोमवार को जन आक्रोश रैली के रूप में होगा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बुरड ने बताया कि यह जन आक्रोश रैली कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियां, ठप कानून व्यवस्था, बिजली की भारी कमी व महंगाई विरोधी, किसानों के झूठे कर्ज माफी के वादे, बेरोजगारी के साथ वादा खिलाफी, सिंचाई का पानी भी पूरी तरह से नहीं उपलब्ध होना, IGNP का सिंचाई रेगुलेशन जारी करने, बागों को अत्यधिक गर्मी से हुए नुकसान का मुआवजा, CHA संविदा कर्मियों को स्थायी करने, डीजल पेट्रोल का मूल्य पंजाब के बराबर करने, दूषित जल की समस्या का स्थायी समाधान करने जैसे कई मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। उसके बाद रैली के रूप में सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे, जहां उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर उनसे उपरोक्त समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पालीवाल ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। उन्होंने जिले के समस्त भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि इस आक्रोश रैली में अधिक से अधिक भागीदारी जुटाएं। लड़कियां भी आपस में समझ के बात नहीं कर पाती है। मैं चाहती हूँ कि घर के और पुरुषों को भी ये चीज पता चले कि माहवारी के समय औरतों को क्या तकलीफ होती है, पेट दर्द होना, कमर दुखना और कमजोरी इतनी आती है, तो उनको भी पता चले और हमारा अच्छे से ख्याल रख पाए। तो आज मैं घर जाके अपने पति को और घर के पुरुषों को भी ये बात समझाऊंगी कि माहवारी के समय उन सबका ख्याल रखना चाहिए और घर की बेटियों का, बहुओं का, ये सबका ख्याल रखना चाहिए। और औरतों भी, लड़कियों को भी पता चले कि महामारी के समय 5-6 घंटे में पेट चेंज करना चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो दूसरी लड़कियां उनको पता, बहुत सारी ऐसी लड़कियां उनको पता नहीं है, तो उनको भी पता चलना चाहिए। और यहाँ इस बारे में मैं सबसे बात करूँगी। आज महामारी दिवस है, 2 अगस्त में मना रहे हैं। और महामारी क्या होती है ये पुरुषों को पता नहीं होता है, पता होता है फिर भी औरतों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पुरुष भी औरतों का ख्याल रखें और जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों का ख्याल रखें। और औरतों को मैं चाहती हूँ, मैं अपने गांव में भी जागरूकता फैलाऊंगी और सबको समझाऊंगी कि बहन को बहुत तकलीफ होती है, तो उसे सारा काम ना करवाए और काम में बहुत ज़्यादा उन्हें दबा देते हैं, ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं, सारा ही काम करा देते, रोटी सब्जी झाड़ू पोछा के क्या है कुछ नहीं, उसे कोई समझता ही नहीं घर में, माँ बाप और बहनें भी जी कोई भी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि समझे और उस पर मैं जाके चर्चा करूँगी गाँव में जाके। महावारी का चौथा दिन हूँ, चौथे दिन में मेरे को भूख भी लग रही है और खाने का भी मन कर रहा है, और जो चौथे दिन में कमर वगैरह दर्द करनी भी कम हो जाती है, सामान्य काम भी हम कर सकते हैं और अच्छा भी फील हो रहा है।